नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हो जिनसो टीवी। तो गाइस, आप लोगों से बहुत दिन से कुछ बोलना था, तो जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। टेक्निकली थंबनेल पे देख सकते हो कि आप लोगों को बस बुलाने के लिए ही ये वीडियो रखा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग कोई फ्री फायर या फिर कोई पार्टिकुलर गेम के बारे में नहीं बोलेंगे फ्यूचर में। और कुछ दिन में मैं कुछ कुछ चीज़ें कर रहा हूँ जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना बिल्कुल। और गाइज, एक्चुअली आप लोग कुछ दिन से ध्यान से देखोगे अगर कि मैं कुछ दिन से थोड़ा थोड़ा डीएक्टिव जैसा हूँ थोड़ा, ठीक है। मतलब 2-3 दिन बाद एक वीडियो आ रहा है या फिर एक दिन में 3-4 वीडियो आ रहा है, ठीक है। इस टाइप का मतलब रेगुलरिटी थोड़ा कम है। तो एक्चुअली क्या है कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये मैंने एक चैनल खोल के रखा है, ठीक है। इसको कहते हैं जेटेक्स रिबॉन। मैंने इसका नाम इसलिए क्यों रखा, जेटेक्स नाम का एक चैनल था जो कि 2009 में बंद हो गया, और वो देख के हम लोग बड़े हुए थे, ठीक है। ये एक्चुअली डिज्नी के अंदर आता था। अभी जो डिज्नी जो देखते हो आप, डिज्नी का पहले नाम था टून डिज्नी, उसके अंदर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक और रात को 8 या 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ये जेटेक्स चलता था टून डिज्नी के अंदर, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग टून डिज्नी देखने के जगह ये जेटेक्स ज़्यादा देखना पसंद करने लगे, क्योंकि इसमें आप अभी का जो आप पावर रेंजर्स देखते हो वो सब आता है, ठीक है। ये जो मार्टिन मिस्ट्री जो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ ये सब आ रहा है, ठीक है। मतलब आता था टून डिज्नी में, आता था कि एकदम बेसिक डार्क टेल जैसा कि मिकी माउस जैसे ये सब बेकार, मतलब एकदम 9 साल के ऑडियंस तो खैर आप फ्री फायर में बोलते हो, लेकिन वहाँ पे खैर 3-4 साल के ऑडियंस आपको मतलब ये सब देख रहे थे। तो क्या हो रहा था कि कभी कभी मतलब आप मान लो कि अगर स्कूल छुट्टी है ये है, तो 10 बजे वो बच्चे बच्चे वो सब देखने लग जाते थे, और उसका जो उनका जो पेरेंट था वो लोगों ने फोरम बना के मतलब जेटिक्स का बैन बजा दिया, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि चलो इसको थोड़ा वापस लाया जाए। हम लोग चाहते हैं कि भाई हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया आप लोग भी वो एक्सपीरियंस करो, ठीक है। तो मैंने ये चैनल जेटेक्स रिबॉन बनाया है। मैंने यूट्यूब में सर्च किया, ऑलरेडी एक जेटेक्स नाम का चैनल है ऑलरेडी, जो कि 2.5K या फिर आसपास उसके आसपास सब्सक्राइबर है। तो वो क्लासिक जो जो डिज्नी वाले जो थे, टून डिज्नी वाले जो एनिमेशन थे वो सब अपलोड कर रहे हैं, जबकि मैं जेटेक्स पे जो लेटेस्ट जो चीज़ें आते थे वो सब मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। तो इसके मैं आपको सीधा बोल ही रहा हूँ आपको कि हमें फ्यूचर में कॉपीराइट क्लेम तो अभी आ रहा है, ठीक है खैर, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक का भी सामना शायद कर सकते करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए, आपके आप लोगों की सपोर्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, आप लोग जितने भी चाहो जाके सब्सक्राइब लगा दो। मैं आप लोगों को शायद बोलूंगा कि आप लोगों ने ज़्यादातर ये सब शोज नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई एक एक सीरीज मान लो कि ये जो मार्टिन मिस्ट्री का ही लो, तो मैं किसी और चैनल पे अपलोड करता हूँ, उधर देखता हूँ कि किस टाइप का क्लेम आ रहा है, किस टाइप का स्ट्राइक आ रहा है, किस टाइप का, ठीक है। जैसा कि ड्रैगन बूस्टर नाम का एक शो है जो बहुत पहले आता था, बहुत पहले 2006-07 के आसपास आता था। तो वो खैर मैंने सेकेंड एक और टेस्टिंग चैनल बनाया है, उसमें अपलोड किया है, करके देखा भाई इसका कॉपीराइट क्लेम अजीब ही तरीके का है, मतलब कॉपीराइट क्लेम दे रहा है, ठीक है। मतलब उसमें एड्स लगेंगे, रेवेन्यू आएंगे, लेकिन वो वीडियो 247 टेरिटोरीज या कंट्रीज पे विजिबल नहीं है, मतलब अजीब चीज है भाई। तो ये क्लेम रखने का क्या जरूरत है, मतलब वीडियो अगर दिखाना ही नहीं है तो मतलब ये क्लेम रखने की क्या जरूरत है। तो खैर, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको गूगल ड्राइव पे अपलोड करेंगे और अलग अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ऐसा एक बात करके वीडियो बनाऊंगा, उसका पिक्चर अलग अलग रखूंगा, ठीक है, जो विजुअल से अलग अलग रखूंगा, ठीक है, करके ऐसा 29 या जितने भी एपिसोड है, 39 एपिसोड है शायद, तो वो सब मैं पूरा अपलोड करूंगा, ठीक है। ये देखिए वही मैं भेज रहा हूँ अपने पेन ड्राइव में, दूसरे पीसी में जा रहा हूँ अभी, ठीक है, जाके सीधे इसको देना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए 49% ये देखिए जा रहा है, एपिसोड जा रहा है, ठीक है। तो वो मैं उसका लिंक दे दूंगा डाउनलोड करके, वो सब आपको देखने पड़ेंगे, कुछ कुछ आपको इस तरीके से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि भाई ये जो चैनल है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैं ओन नहीं करता, ठीक है, मैं कभी भी ओन नहीं करता। आप लोग इसमें जितना चाहे कॉपीराइट क्लेम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐड लगाओ, भर के ऐड लगाओ, हर 2 मिनट पर ऐड लगाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस स्ट्राइक मत लगाना, ठीक है। क्योंकि भाई हम चाहते हैं कि भाई आप लोग एंजॉय करो, ठीक है। तो हम लोग बहुत ही सेफ तरीके से इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। मैं कुछ कुछ दिन हुआ, बस 3 दिन हुआ, 3 दिन में आपका देख रहे हो कि वो भाई व्यूज थोड़ा ठीक ठाक आ रहा है, ठीक है। ये देखिए धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है व्यूज। तो आज भी हम लोग अपलोड करेंगे बहुत सारे, ठीक है। तो मैं मेन चैनल कंटिन्यू करूंगा, आप समझ लो भाई, भाई को अभी 4-5 चैनल संभालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये चैनल एक है, दूसरा एक और है कि भाई शॉर्ट चैनल है जिसमें ब्रॉल स्टार्स COC का मैं अपलोड करूंगा बैक टू बैक, ठीक है। ये चैनल मैं फ्री फायर के लिए छोड़ रहा हूँ, और एक और है टेक्निकल चैनल, ठीक है। साथ ही साथ ये चैनल एक तो टेस्टिंग वाला चैनल है, ठीक है। तो 5-5 चैनल संभालना पड़ रहा है, जो कि आप समझ सकते हो कि भाई कितने परेशान है, और मुझे इसमें से एक चवन्नी भी नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग एटलीस्ट थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट कर दो, ठीक है, आके जितना हो सके थोड़ा बहुत सब्सक्राइब लगा दो, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जल्दी से जल्दी पहुँच जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अगर वीडियोज डालता रहूँगा 100-150 वीडियो हो जाएंगे तो ये ग्राफ और ऊपर चला जाएगा, मैं जानता हूँ ये चीज़।
लेकिन देखिए मतलब कुछ किया नहीं, और अभी 3 घंटे का वॉच टाइम आ गया। खैर क्या बोले, ये खैर मोनिटाइजेशन के लिए भी नहीं जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि फ्यूचर में कि ये चैनल अगर कुछ अच्छा खासा ग्रो हो जाए तो मैं ये इस चैनल की मदद से मैं बाकी को प्रमोट भी कर सकता हूँ, आप लोगों को प्रमोट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सबके फायदे के लिए है। मैंने ये सोचा कि चलो भाई एक ऐसा कम्युनिटी बनाते हैं जिससे सबका फायदा हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप तक ये मैसेज पहुँचाने के लिए, ठीक है। तो गाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको क्लिक करके जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब लगा दीजिए और इस चैनल को फॉलो करते रहिए, ठीक है। बैक टू बैक मैं एपिसोड्स डालता रहूँगा पार्ट डे, मतलब मैं 20 से लेके 15 मिनिमम 10, ठीक है, ऐसे आप वीडियोज अपलोड करता हूँ। फिर जाकर फ्री फायर का अपलोड करता हूँ, जैसे कि ये मैं अपलोड कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो बहुत बहुत थोड़ा बहुत मेहनत के काम है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो। तो बिल्कुल सपोर्ट जरूर दिखाओ। तो गाइस इसको शेयर करो दोस्तों के साथ, जितना हो सके इसको शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और फ्री फायर का जितने भी अपडेट्स आएंगे तो मैं अपलोड करता जाऊंगा, और मैं अपना जो जिंजर टीवी है उसमें फ्री फायर और साथ ही साथ फ्री फायर का जो शॉर्ट्स है वो मैं बैक टू बैक अपलोड करते जाऊंगा, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।